देवास जिले की बागली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार दो पहिया वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया के मार्गदर्शन में और SDOP SL सिसोदिया के निर्देश में टीम गठित की गई। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर नीरज चौरसिया ने बताया कि थाना बागली की टीम ने कार्रवाई करते हुए 27 मई को चापड़ा चौराहे पर थाना वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्तियों को पकड़ा। मोटरसाइकिल चेक करने के दौरान इंजन नंबर 34 नंबर घिसे हुए पाए जाने से दोनों व्यक्तियों को मोटरसाइकिल की चोरी की शंका में पकड़ लिया। आरोपियों से पूछताछ में अन्य साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में चोरी करना कबूला है। बागली पुलिस के द्वारा वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर 3 सदस्यों को पकड़कर कुल 22 मोटरसाइकिलें जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए की बरामद की गई। आरोपियों के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलों को आदिवासी क्षेत्र में बेच दिया जाता था और चोरी की मोटरसाइकिलों का उपयोग शराब व लकड़ी की तस्करी में उपयोग किया जाता था। वाहन चोर गैंग का सरगना गजेंद्र उर्फ राजा इंदौर आसपास के क्षेत्र में मोटरसाइकिल चुराता था तथा आदिवासी क्षेत्र में सप्लाई करता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी भिल आमला थाना बागली क्षेत्र के हैं। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से बागली और कन्नौज सबडिवीजन के थानों में वाहन चोरी की शिकायतें बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा अपराध इनके पंजीकृत हो रहे थे और इस पर से सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें हमारे SDP साहब सिसोदिया जी, TA साहब अमित सोनी और इनके साथ ही कुछ और लोग इसमें बहुत दिनों से लगे हुए थे कि कहीं कोई ग्रोह ऐसा जो वाहन चोरी और वारदातों में सम्मिलित है उसको हम लोग पकड़ सके, ट्रेस कर सके। 27/5/19 को जब चापड़ा में वाहन चेकिंग चल रही थी तब नेवावर की तरफ से बिना नंबर की गाड़ी के कुछ वाहन यहाँ से क्रॉस करने की राग में थे। चेकिंग को देख के वो पल्सर गाड़ी थी उनके पास, तो उसको वापस घुमा के वो नेवावर की तरफ जाने लगे, तो पुलिस ने इसमें घेराबंदी की और उसको पकड़ा और पूछताछ की तो पता पड़ा कि ये वाहन चोर हैं और जो वाहन जिससे जा रहे थे ये चोरी का है। की गई और लोगों को साथियों का पता किया गया, जो वारदात का तरीका है उसको भी जानकारी ली गई, तो ये ज्ञात हुआ कि 22 अभी तक में कुल 22 मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई हैं। इनके 3 साथी और हैं जो गिरफ्तार हैं, 2 साथी फरार हैं, जो इनका सरगना है वो भी अभी फरार है, जो इंदौर का निवासी है। इस वारदात में जो गाड़ियों का उपयोग करते थे उसका उपयोग ये तस्करी में करते थे, लकड़ी की तस्करी और अवैध शराब में। कभी जब पकड़े जाते थे तो उन चोरी के वाहनों को वहीं छोड़ के घटनास्थल से फरार हो जाते थे।